हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 15 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, आज की डिस्कस में हम क्यों हैं और 15 तारीख की दोनों न्यूज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कल एक्चुअली तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो लेक्चर है वो नहीं बना पाया था मैं। तो चलिए अब हमारी डिस्कशन स्टार्ट है वो करते हैं। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया है वो है कन्याश्री स्कीम के बारे में। तो क्या है ये स्कीम वो हम देख लेते हैं। देखो, तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कन्याश्री जो स्कीम है ना, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लाई एक स्कीम है और इस स्कीम के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को अवार्ड है वो दिया है। कौन सा अवार्ड है? वो है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2017। तो इस अवार्ड से बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मतलब नवाजा या पुरस्कृत है वो किया गया है। अब हम स्कीम की तरफ चलते हैं। कन्याश्री जो स्कीम है वो एक कैश ट्रांसफर स्कीम है, कंडीशनल, मतलब इसमें कुछ कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे कैश ट्रांसफर किया जाएगा। देखो, बेसिकली हमारे देश में क्या है कि महिलाओं की या लड़कियों की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि सोसाइटी में एक धारणा बनी हुई है कि भाई लड़की है तो वो घर का बोझ है, जल्दी से उसकी शादी करनी है, तो लोग उसे नॉर्मली पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। तो इसी धारणा को चेंज करने के लिए कि भाई लड़कियां बोझ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, कि जो भी लड़कियां हैं 18 साल तक की एज में, उनकी जल्दी शादी ना की जा सके और वो आराम से पढ़े लिखें और अपना करियर बना सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि भाई जो जिस भी परिवार में लड़की है उसका एक अकाउंट खुलवाया जाएगा बैंक में, और उसके बाद में गवर्नमेंट है वो बेसिकली हर साल कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, एक अमाउंट है वो इसमें डिपॉजिट करवाएगी। मतलब लड़की के नाम पे जो अकाउंट है इसमें पैसे डिपॉजिट करवाए जाएंगे, और वो पैसे 18 साल से पहले नहीं निकलवा सकते अकाउंट से। मतलब वो लड़की ही निकलवा सकती है और वो भी 18 साल की एज होने के बाद, चाहे वो हायर स्टडी के लिए निकलवाए या फिर वो अपनी शादी वगैरह के लिए। तो इसलिए ये एक कैश ट्रांसफर स्कीम है, वही आपको ध्यान में रखना है। फायदा क्या होगा इस इनिशिएटिव का? देखो, बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे देश में जो तो चाइल्ड मैरिज होती हैं इस पे लगाम लगेगी। इसके साथ ही फीमेल एजुकेशन और वुमेन या फीमेल एम्पावरमेंट है, इसकी तरफ एक अच्छा कदम इसे माना गया है। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि यूएन द्वारा इसको अवार्ड दिया गया है, तो ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखो, आरसीपी बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है वो की गई है, बट ये ध्यान रखना कि अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, अभी सिर्फ इस पे बातचीत चल रही है। जो ये आरसीपी है वो बेसिकली 2013 से स्टार्ट हुआ था, एग्रीमेंट पे बातचीत वगैरह नेगोशिएशन वगैरह चल रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? इसमें देखो 16 कंट्री हैं। अब 16 कौन कौन सी हैं? 10 तो हैं आसियान वाली, और फिर बाकी 6 कंट्री हैं वो है आसियान प्लस 6, जो आपने नाम सुना होगा वो है। तो आसियान वाली तो कौन सी होगी? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा 6 कंट्री कौन सी हैं? 6 कंट्री हैं, एक तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, साउथ कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड। मतलब इन टोटल 16 कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट है आरसीपी, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसपे अभी आपस में बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं कि किस तरीके इसको एक्टिव फॉर्म में लाया वगैरह जा सके। तो अभी इसी को लेकर न्यूज़ है वो आई है, अभी इसकी नवंबर में मीटिंग भी होनी है, तब देखो क्या क्या इसमें नेगोशिएशन होकर बाहर आते हैं। अब बात ऐसी कि आरसीईपी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, आरसीईपी इम्पोर्टेंट इसलिए है, इंडिया है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एशिया की जो मेन मेन कंट्रीज हैं, इवन अकेला एशिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ये कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड है वो कर सकेंगी। तो देखो, इंडिया को भी इससे बहुत फायदा हुआ इकोनॉमिक तौर पर, और बाकी अदर कंट्रीज को भी, मतलब आपस में मार्केट है वो खुला रहेगा हर एक कंट्री के लिए 16 कंट्रीज के बीच में। अब देखो, इसमें इश्यू क्या है इंडिया के लिए? इसमें इंडिया का इश्यू ये है कि भाई हम बाकी कंट्रीज वो तो चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू मतलब अलाउ कर देंगे, बट अगर हम चाइना को भी इसी तरह का मौका देंगे ना इसी एग्रीमेंट के तहत, तो फिर चाइना अपने सामान की इंडिया में डंपिंग करेगा, और इसी के साथ ही जो और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं या चाइना के और जो प्रोडक्ट्स हैं वो अदर कंट्री में भी मनमर्जी चलाएंगे। आप बोल सकते हो कि काफ़ी सस्ते होने की वजह से वो मार्केट का सिस्टम है या मार्केट की इकोनॉमी को क्रेश कर सकते हैं। तो ये है इश्यू है इंडिया का कि भाई चाइना के प्रोडक्ट्स पर कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ज़्यादा फायदा उठाएंगे। तो इसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है चाइना के मामले में, तो इंडिया को नुकसान होगा और बाकी इधर एरिया में भी आपस में एक कंपटीशन का माहौल नहीं रह पाएगा। तो यह है बेसिकली इंडिया का कंसर्न। अब देखो, अगर आरसीपी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो अगर हम बात करें तो यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। रीजनल मतलब क्षेत्रीय ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। लगभग हम देखें तो वर्ल्ड की लगभग आधी पॉपुलेशन है वो कवर करेगा। इसी के साथ ही वर्ल्ड की लगभग 30% जो जीडीपी है वो इसको अकेले आरसीपी है वो रिप्रेजेंट करने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्रीमेंट, आपको ध्यान में रखना है। अब
एक छोटी सा फैक्ट ये ध्यान रखना कि गुड्स और सर्विस दोनों ही को इसमें शामिल है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आइकन मिशन के बारे में। आइकन मिशन है पहला फैक्ट, नासा का मिशन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, क्यों लॉन्च किया गया था? देखो, आइकन मिशन बेसिकली अर्थ की जो आइनोस्फेयर लेयर है ना, उसकी स्टडी करने के लिए लॉन्च है वो किया गया था। अर्थ की जो आइनोस्फेयर है, देखो आइनोस्फेयर को बेसिकली थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर क्यों कहते हैं? देखो, इसका रीजन ये है, आइनोस्फेयर में क्या होता है, आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो होते हैं। अब आपको पता है कि जब चार्ज होगा आपस में, इसमें फ्रिक्शन वगैरह होगा, तो इससे हीट बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऊष्मा का संचरण है वो होगा, इसलिए यहाँ पे हीट बढ़ेगी, तो इसका नाम रख दिया गया थर्मोस्फेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आइनोस्फेयर है थर्मोस्फेयर मतलब सेम ही बात है। अब बात क्या है, पहले थोड़ा हम लेयर के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे नीचे जहाँ हम रहते हैं, इसके पास हमारी लेयर वो है ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद में आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद में आती है मीजोस्फेयर, और बाद में आती है थर्मोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी रेंज लगभग होती है 0 से लेके 12, 15, 18 किलोमीटर तक होती है नियर बाई ऊपर। इसके बाद में आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है ओजोन लेयर है वो पाई जाती है, और इसकी रेंज होती है वो होती है लगभग मतलब 12-15 से लेके लगभग 45-50 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद में 45-50 किलोमीटर से लेके लगभग 80-85 किलोमीटर के आसपास होती है मेजोस्फेयर, और मेजोस्फेयर के ऊपर होता है सबसे ऊपर बाद में थर्मोस्फेयर। तो इस तरीके से लेयर है वो डिवाइड की हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ना कि थर्मोस्फेयर में। तो ये एक आधा फैक्ट आप यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊपर ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ऊपर का हिस्सा होता है ना ये वाला, इसमें क्या है ओजोन होती है, तो ओजोन गैस क्या है कि इस वाले एरिया में थोड़ी एनर्जी हीट है वो बढ़ा देती है। इसकी वजह से ऊपर थोड़ा एनवायरनमेंट गर्म होता है और नीचे होता है ठंडा, तो हवा बैलेंस होती है, क्योंकि गर्म हवा है वो ऊपर है, ठंडी हवा नीचे है, इसलिए यहाँ पे हवा में विक्षोभ या डिस्टर्बेंस नहीं होता है और प्लेन आसानी से उठते रहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है, प्लेन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में उठते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT। देखो, CCIT है वो एक प्रपोज्ड ट्रीटी है, अभी मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये ट्रीटी एक प्रपोज्ड की गई है। ये किस लिए प्रपोज में लाई गई है? ये ट्रीटी इसलिए प्रपोज में लाई गई थी, मतलब बातचीत में इसलिए इसको लाया गया था, ताकि जो टेररिज्म है इंटरनेशनल लेवल पे, इसको एक सिंगल डेफिनेशन दी जा सके, और टेररिज्म से निपटने के लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन, एक फ्रेमवर्क वगैरह बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CCIT है ना, ये बेसिकली इंडिया के द्वारा प्रपोज में लाया गया था 1996 में, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, और इसीलिए इंडिया ने इसको 1996 में अडॉप्ट किया था, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको अडॉप्ट किया था। अब बात ऐसी है कि CCTI का फ़ायदा क्या होगा ये ट्रीटी अगर एक्टिव फॉर्म में आ जाती है तो? देखो, पहली बात तो है कि इसमें जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाएगी। अब होता क्या है, इंडिया के लिए जैसे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें हाफिज़ सईद का ले लो, हाफिज़ सईद इंडिया के लिए टेररिस्ट है, बट वहीं पाकिस्तान के लिए तो वो हीरो है ना, तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो उसे हीरो की तरह शो करता है। तो अब इसीलिए आप खुद देख सकते हो, इंडिया तो कहेगा भाई इसको टेररिज्म मतलब आतंकवादी डिक्लेयर करो, और वो कहेगा नहीं भाई ये तो हमारे लिए मसीहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। इसलिए तो एक टेररिज्म की एक सिंगल डेफिनेशन होनी चाहिए कि भाई जो आदमी ऐसे ऐसे काम करेगा वो टेररिज्म में काउंट है, वो क्या जाएगा। इसी के साथ ही पाकिस्तान क्या कहता है, तालिबान है या टेररिज्म है वो अच्छा और बुरा होता है। भाई टेररिज्म में क्या अच्छा बुरा होता है, आतंकवादी तो सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें कौन सा भला हो गया। तो जो गुड और जो बैड टेररिस्ट की मेथड है इसको हटाया जाए। इसी के साथ ही जो ग्रुप्स हैं कंट्री में काफ़ी इंसर्जेंसी फैलाते हैं, अस्थिरता फैलाते हैं, उनको बैन किया जाए, और इसी के साथ ही उनके फंड वगैरह हैं वो उनके रोके जाएं, और जिस भी कंट्री के द्वारा फंडिंग दी जाती है उस कंट्री के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाएं। इसी के साथ ही जो क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी या स्थिरता फैलाते हैं, उनको रोकने के लिए एक डेफिनेशन या उनको भी लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो। और अगर हम बात करें तो जो क्रॉस बॉर्डर टेरर सिस्टम है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के द्वारा फैलाया हुआ, इसको काउंटर करने की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क हो। इसके लिए CCTI है वो एक कन्वेंशन, या बोल सकते हो कि ये ट्रीटी है वो एक मतलब अभी बातचीत पे चल रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है इलास्ट्रोक्लोरिक इफेक्ट के बारे में। तो क्या है यह इलास्ट्रोक्लोरिक इफेक्ट, वो हम देखते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा है, आपने देखा होगा कि जब भी रबड़ होता है उसको हम खींचते हैं
तो वो गर्म हो जाता है, ज़्यादा ज़ोर से खींचते हैं तो ऑब्वियसली, और फिर जो ही उसे वापस छोड़ते हैं तो वो नॉर्मली ठंडा है वो हो जाता है। तो बेसिकली इसी इफेक्ट को कहते हैं इलास्टोक्लोरिक इफेक्ट। तो अब बात ऐसी है कि साइंटिस्ट हैं वो इस इफेक्ट का या इस मेथड का यूज़ करके जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनमें इसका यूज है वो करेंगे, इसीलिए न्यूज़ में भी है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि इलास्टोक्लोरिक इफेक्ट है वो होता क्या है। बस ये छोटा सा इफेक्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, जो था वो यूपीएससी इतना इसमें पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है इंपीरियर पेंगुइन के बारे में। तो क्या है यह इंपीरियर पेंगुइन? देखो एक चीज तो आप ये ध्यान रखना कि पेंगुइन है वो केवल ठंडे एरिया में नहीं पाए जाते, गर्म एरिया में भी पेंगुइन है वो पाए जाते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये इफेक्ट ध्यान में रखना है। अब बात ऐसी है कि जो इंपीरियर पेंगुइन है ना, ये भी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनको लेकर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो पेंगुइन की प्रजाति है जो आप फोटो में देख रहे हो, ये बेसिकली अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां की एक आई आप बोल सकते हो कि आइकनिक स्पीसीज है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब वहाँ की एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है और वहीं ये मोस्टली तादाद में पाई जाती है बर्फीले एरिया में। इसी के साथ ही है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, इसके अंदर जो लिस्ट है प्रोटेक्शन की, इसमें नियर थ्रेटन लिस्ट में इसको डाला गया है, रेड लिस्ट की जिससे हम बात करते हैं। अब इश्यू क्या है इस पे वो देखते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि एक अंटार्कटिका ट्रीटी ये कहती है कि भाई जो अंटार्कटिका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है ना, इसका यूज हम पीसफुल कार्य के लिए करेंगे। मतलब वहाँ पे कोई बम बम का एक्सपेरिमेंट वगैरह वैसे काम नहीं करेंगे जिससे कुछ नुकसान हो। आपको वैसे कुछ रिसर्च वगैरह करनी हो, स्टडी करनी हो इन्वायरमेंट वगैरह के लिए, वो वहाँ पे की जा सकती हैं। कोई हजारडस तरह के काम वगैरह वहाँ पे नहीं किए जाएंगे। ये बेसिकली अंटार्कटिका ट्रीटी के लिए क्लियर वहाँ पे कहती है। और अंटार्कटिका ट्रीटी ये भी कहती है कि भाई यहाँ की जो स्पीसीज हैं इनको नुकसान ना पहुंचा जाए और उनको स्पेशली प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाई जाए। इसी के साथ ही अब ये डिमांड की जा रही है कि यहाँ पे जो इंपेरियर पेंगुइन है ना, इसको नियर थ्रेटन्ड की बजाय वनरेबल है उसमें कैटेगरी में शिफ्ट है वो किया जाए। तो अभी ये दो डिमांड है वो अभी न्यूज में है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है धर्मा गार्जियन एक्साइज के बारे में। देखो धर्मा गार्जियन जो एक्साइज है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्साइज है इंडिया और जापान के बीच में, और यह आपको ध्यान में रखना है कि इस बार जो ये एक्साइज है वो है बेसिकली इंडिया होस्ट है वो कर रहा था। तो ये अभी आपको दो छोटे से फैक्ट ध्यान में रख लेने हैं। देखो मेनली जो एक्साइज होती है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्साइज है, नेवी एक्साइज है या आर्मी एक्साइज है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मिलिट्री एक्साइज है तो बस ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया और जापान, ये दो फैक्ट याद रहेंगे तो इनफ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है एम हरियाली के बारे में। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन समथिंग है। तो बेसिकली है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है किसके लिए, इंगेजमेंट के लिए, पब्लिक इंगेजमेंट मतलब लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, किस लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए और प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए। होगा क्या इसमें, ये जो एप्लीकेशन है अगर आप कोई भी पेड़ पौधा लगाओगे तो इसकी ऑटोमेटिक जियो टैगिंग कर देगा। जियो टैगिंग क्या होती है, जैसे आपने गूगल मैप वगैरह खोला होगा तो वहाँ पे हम गूगल मैप में सर्च करते हैं जैसे कि कुछ भी करोल बाग मेट्रो स्टेशन, तो वो आपको शो करता है कि मैप में कि भाई यहाँ पे ये करोल बाग मेट्रो स्टेशन है, लोकेशन शो कर रहा है, उस पर आपको नाम लिखा हुआ जाता है कि यार करोल बाग मेट्रो स्टेशन वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ होती है जियो टैगिंग, मतलब उसकी मैप पे लोकेशन टैग है वो कर दी गई है। तो उसी तरीके से आप पेड़ पौधे लगाओगे तो उसकी टैगिंग है वो है करेगा। तो बेसिकली इसीलिए बस आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा है, किस लिए है, पब्लिक इंगेजमेंट की जाएगी ताकि जो पेड़ पौधे हैं इंडिया में वो ज्यादा ज्यादा लगाई जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आ जाए है वो है चालुक्या डायनेसिटी के बारे में। तो चालुक्या सल्तनत है इसके बारे में हम देख लेते हैं, चालुक्या जो रूलर्स थे इनके बारे में। देखो बात ऐसी है कि चालुक्या जो रूलर्स थे ना, इन्होंने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में राज है वो किया था, कहाँ पे, साउथर्न और सेंट्रल इंडिया वाले हिस्से में। अगर हम बात करें आज के जमाने के हिसाब से तो बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मेनली हिस्से इसमें आते हैं। आज के टाइम पे देखें तो थोड़ा सा तमिलनाडु का भी आता है, केरला का भी आता है, और एमपी का भी आता है, गुजरात का भी आता है, और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी है थोड़ा सा। तो ये सारे स्टेट्स में काउंट है, बट मेनली आप देखोगे कि दक्कन ट्रेप वाला जो बेल्ट है इसमें चालुक्यों ने राज है वो यहाँ पे किया था। तो अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो चालुक्य डायनेसिटी थी या जो ये राज था, शासन था, इसमें बेसिकली
तीन तरह की डायनेस्टी थी, आप ये बोल सकते हो कि तीन भागों में इसको डिवाइड है वो किया गया है। एक तो थे सबसे पहले स्टार्टिंग में यानी कि 6वीं सेंचुरी में, वो थे बादामी चालुक्या। ये आपको ध्यान में रखना है, बादामी जो चालुक्या थे इन्होंने वातापी में राज है वो किया था 6वीं सेंचुरी के आसपास। इसके बाद में आते हैं पुलकेशन द्वितीय वाले चालुक्य। जो पुलकेशन द्वितीय वाले चालुक्य थे यानी कि बादामी चालुक्यों की डेथ खत्म हो गई थी, इसके बाद में पुलकेशन द्वितीय आए। और पुलकेशन द्वितीय वाले जो चालुक्य थे इन्होंने बेसिकली ईस्टर्न दक्कन, ये दक्कन वाला जो हिस्सा है ईस्टर्न वाला, इस हिस्से में राज है वो किया, अपना राज है वो बढ़ाया गया। और इन्होंने रूल किया था बेसिकली वेंगई में, कब, 11वीं सेंचुरी तक। मतलब 6वीं सेंचुरी के बाद में अगर हम बात करें, जैसे 7वीं सेंचुरी से लेकर लगभग 11 के आसपास इन्होंने रूल है यहाँ पे किया है वेंगी वाले एरिया में, ईस्टर्न दक्कन वाले हिस्से में। इसके बाद में तीसरे आते हैं, वो आते हैं वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न जो चालुक्य हैं इनको इन्होंने रूल किया था कल्याणी वाले क्षेत्र में, जो इन्होंने रूल किया था 10वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। मतलब सबसे लास्ट में आए थे वेस्टर्न चालुक्य, जिन्होंने कल्याणी वाले राज्य में या कल्याणी वाले जो राज था उसमें इन्होंने राज है वो किया था कल्याणी वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से चालुक्य तीन पार्टों में, तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही फैक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा इतना कुछ काम का यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं इनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो इन्होंने काफी सारी केव टेम्पल्स वगैरह वो बनाए थे। पहली चीज ये है, सेकुलर थीम भी थी और रिलीजियस दोनों थी। तो यूपीएससी हाँ ये पूछ सकती है कि इन्होंने रिलीजियस पे फोकस किया था। नहीं नहीं भाई, रिलीजियस भी थी और सेकुलर भी थी। दूसरी बात आती है पेंटिंग की, तो पेंटिंग इन्होंने की थी, मुराल पेंटिंग का यूज है वो इन्होंने काफी बहुतायत में किया है। अब बात ऐसी है कि इस टाइम पे जो चालुक्य थे इन्होंने कौन सी शैली का यूज किया था, कौन सी स्टाइल थी आर्किटेक्चर की, वो थी वेसर शैली। आपने सुना होगा वेसर शैली या फिर बेसर शैली के नाम से सुना होगा, जो कि बेसिकली नॉर्दर्न और सदर्न दोनों का मिक्सअप थी। यानी हम ये बोल सकते हैं नॉर्थ में तो आपको पता है नगरा स्टाइल थी, नागरा या नगारा, और साउथ में थी द्रविड़ा। तो ये बीच वाला हिस्सा था सेंट्रल वाला, तो यहाँ पे मिक्सअप यूज की गई थी जिसका नाम था बेसर शैली। इनकी बेसर शैली है, इसमें कुछ गुण द्रविड़ी शैली की स्टाइल के थे और कुछ गुण थे वो थे नगाड़ा स्टाइल के, तो इनका कॉम्बिनेशन था बेसर शैली। इसलिए काफी पॉपुलर भी हुई थी कर्नाटका वाले रीजन में और इस वाले दक्कन वाले एरिया में। इसे बेसिकली चालुक्या स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है यहाँ पे पट्टदकल। देखो तो पट्टदकल एक जगह है, साइट है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी दर्जा है वो दिया है। और यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं वो बनाए जाने के प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो लगभग यहाँ पे 10 मंदिर हैं मेन, उसमें से 4 हैं वो तो हैं नागर स्टाइल के यानी कि नॉर्दर्न स्टाइल्स के, और 6 मंदिर हैं वो है द्रविड़ स्टाइल के। जिसमें अगर हम बात करें द्रविड़ स्टाइल के, तो द्रविड़ स्टाइल के जो मंदिर है ना 6, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विरूपाक्ष टेम्पल। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो कौन सी आर्किटेक्चर का है, कब बनाया गया था। तो विरूपाक्ष टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल का है और चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनाया है वो गया था। इसके साथ ही एक और है यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट, वो है संगमाहेश्वरा टेम्पल। और तीसरी अगर हम बात करें जो हमारा नागरा स्टाइल का जो इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पे, वो है पापनाथ। ये बहुत पॉपुलर रहा है, जो पापनाथ का टेम्पल है नागरा स्टाइल का, कहाँ पे ये पट्टदकल जो साइट है वहां पे बना हुआ है। अब देखो जो पट्टदकल है वो बेसिकली 7वीं से लेकर 8वीं सेंचुरी के बीच में बहुत ज्यादा डेवलप है वो किया गया था ये एरिया, ये नगर। और इसमें हिंदू और जैन टेम्पल हैं और कर्नाटका में काफी ज्यादा बहुतायत में बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जो पट्टदकल साइट या जो जगह है ना, वो बेसिकली माल प्रभा रिवर के वेस्ट बैंक के ऊपर स्थित है। तो यूपीएससी माल प्रभा रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो कंटेक्स्ट यह है, न्यूज यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 190 मिलियन US डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए, कि भाई इंडिया में जो राजस्थान स्टेट है इसमें रोड ट्रांसपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा, इसके लिए लोन लिया जा रहा है। यानी कि इंडिया में राजस्थान स्टेट में रोड डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 190 मिलियन US डॉलर का लोन है वो लेने की बात यहाँ पे की है। अब पहली बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया और पैसिफिक वाले एरिया में, इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एआईबी के बारे में, काफी सिंपल क्वेश्चन था। उसी तरीके से यूपीएससी हो सकता है एडीबी के बारे में भी पूछ सकती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये एशिया और पैसिफिक दोनों की कंट्रीज इसमें शामिल हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ
उनकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ और उनकी रीजनल जो इंटीग्रेशन है इनको प्रमोट करने के लिए काम है वो करता है, गरीबी वगैरह को हटाने के लिए। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, पहली बात ही है। दूसरी बात, इसको 1966 में डेवलप किया गया था, इसका हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है और यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें केवल ही केवल ऐसा नहीं कि एशिया की कंट्री मेंबर है, नहीं भाई साहब, बाहर की कंट्री भी इसमें मेंबर है जो कि पैसिफिक ओशियन के नियर बाय कंट्रीज हैं वो, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर हैं वो केवल एशिया के नहीं है, पैसिफिक वाले भी हैं। अब आप ये बताओ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तो है यूएसए और एक दे रहा हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मेंबर हैं या नहीं है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सरस आजीविका मेला के बारे में। देखो, गवर्नमेंट ने रूरल एरिया में जो लाइवहुड है, आजीविका है लोगों की, इसको डेवलप करने के लिए एक स्कीम चलाई थी, मिशन था जिसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन के नाम से भी जानी जाती है। इस मिशन के तहत ही सरस आजीविका मेला है वो स्टार्ट किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव यह है इस इनिशिएटिव का कि जो रूरल वुमेन है ना, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से डेवलप है, इम्पावर है वो किया जा सके। होगा क्या, इसमें जो वुमेन्स हैं इनको स्किल प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसी के साथ ही जैसे उनको एग्जाम्पल ला लो कि जो हैंडमेड आइटम्स हैं उनकी स्किल दी गई है, अब अगर वो प्रोडक्ट बनाती हैं इसके बाद में वो प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग कर सकती हैं, किस तरीके से वो बायर को चीज़ें बेच सकती हैं, कैसे वो बायर को ढूंढेंगी, कैसे लिंकेज स्थापित किए जाएंगे बायर और सेलर के बीच में, इस तरीके के इनिशिएटिव उनको सिखाए जाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, किसी दूसरे की उनको ज़रूरत है वो यहाँ पर ना पड़े। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सरस आजीविका मेला क्या है, यानी कि रूरल एरिया के अंदर आजीविका को डेवलप करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करने के लिए स्कीम है वो लाई जा रही है, और इसके साथ ही जो अर्बन यानी जो शहरी कस्टमर होते हैं इनको कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उनकी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट बनाने हैं, इन सारे पैरामीटर्स पे फोकस यहाँ पे किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।